ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन फटाफट से जो हमने पिछली बार किया था वो हम क्विकली रिवाइज करेंगे जल्दी से. जल्दी से राइट डाउन द क्वेश्चन. Also. जल्दी से क्विकली. यस द स्टूडेंट विल कम. हरजोत, 8th B. हरजोत, वेयर इज हरजोत? हरजोत, आर्यन, चलो आर्यन, आर्यन आ जाओ, आ जाओ आर्यन, जल्दी से आओ. वेयर इज आर्यन? कहाँ है आर्यन, कहाँ है? स्टैंड इज आर्यन देयर? आर्यन बेटा, मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछना है आपसे. आ जाओ जल्दी से, कहाँ पर है आर्यन? मुझे दिख नहीं रहा. आर्यन माइक लो बेटा, माइक के पास चलो. हाँ जी आर्यन, मुझे ये बता दो बेटा, ये कौन सी रे है? जल्दी से, कोई और नहीं बोलेगा. गर्ल्स नो, आपने नहीं बताना, ओनली ही विल टेल. हाँ बताओ बेटा. अच्छा इंसिडेंट रे. अब गर्ल्स मैम जरा देखना, सिर्फ आर्यन बताएगा. आर्यन ये बता दो, चलो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो फिर ये क्या है? मैम, लास्ट लास्ट वाली मैम रिफ्लेक्टेड रे है मैम, बीच वाली मैम बीच वाली कौन सी है? हाँ एक्सेप्टेड बेटा, लास्ट आपने कहा ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही है, ये वापस जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे. ये बीच में क्या है? अच्छा, जो मैंने डायग्राम कहे थे वो आपने बनाए थे, पक्की बात है? चलो बैठो, आई विश आपने बनाया हो, क्योंकि ये तो पेपर में आना है. आप बैठो बेटा. देन तेजप्रीत, तेजप्रीत आ जा बेटा. देखो तेजप्रीत ने सारे आंसर्स बताने हैं, जो आपने बनाई हुई है उसको देख के भी बता सकते हो. हाँ जी जल्दी से बता दे, ये कौन सी रे है? कौन सी ये वाली. मैम इंसिडेंट रहे मैम वेरी गुड. ये कौन सी है? वेरी नॉर्मल गुड. और ये कौन सा है? वेरी रिफ्लेक्टर गुड, वेरी गुड. तेजप्रीत ने बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड. चलिए, इसका मतलब है तेजप्रीत ने काम किया था, एंड इसके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स पक्के हो गए हैं. ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है जी. उसके बाद अब आपने मुझे बताने हैं एंगल्स कौन कौन से क्या क्या है. ठीक है, किसी का अगर वैल्यू पता है तो वो आप बता सकते हो. नाउ स्टूडेंट विल कम निमित पाल, 8th A. निमित पाल आ जा बेटा. के साथ
निमित आपने मुझे बताना है बेटा कि हाँ ये नाम हाँ बता दो इसका, या आप वैल्यू बता दो। ये मिरर है, दिस 90 डिग्री। इज 90 डिग्री। वेरी गुड। दिस इज ए इज, हम यहां लिख सकते हैं, बैठो बेटा। ए इज 90 डिग्री, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। हाँ जी, जो राइट साइड में लास्ट बेंच पे दो गर्ल्स बैठी है, दोनों आ जाओ आगे, राइट साइड में दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यस बेटा, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बी, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी गुड, बैठो बेटा। एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट गर्ल, सी क्या है, सी का क्या नाम है? ग्लांस। बेटे देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है, देखो बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एंगल ऑफ ग्लांस तो ये है जी, जो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में होता है, ये जी है एंगल ऑफ ग्लांस। अब बताओ बेटा कि सी क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल होगा? चलो आप यहां खड़े रहना, मिडिल रो में से जो पीछे दो गर्ल्स या तीन गर्ल्स है, तीनों आ जाओ, तो बताती हैं वो, देखना बेटा ताकि गलती ना हो आपकी। राइट, आ जाओ जल्दी से, आओ जल्दी से, क्विक। जल्दी से बता दो, सी क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आई बेटा? ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बनाओगे ना दो बार चार बार तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट गर्ल, चलो दोनों बैठो। नेक्स्ट गर्ल, हाँ जी, डी क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ई और ये वाला, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, दैट इज एंगल ऑफ ग्लास। बट अब मैं आपसे क्या पूछना है, ध्यान से समझना बेटा। द गर्ल हु इज सिटिंग हियर, इफ सी इज, सी जो है वो 45 डिग्री है, देन टेल मी व्हाट इज द 40 डिग्री, कर लो, हम 45 नहीं करते, 40 डिग्री। वैल्यू ऑफ सी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एंड जी एंड ई? जल्दी से बता दो, डी बता दो। डी है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी वैल्यू, 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 40। 40 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बैठो बेटा, कैसे, ये ध्यान दो। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 40 डिग्री। इज इट ओके? लिख लिया आपने? राइट डाउन क्विकली, ये सब चीजें आपने लिखनी है। पहला क्वेश्चन तो ये था, सेकंड ये है, थर्ड इसका ए पार्ट ये हो गया कि एंगल डी की वैल्यू ये है। ये वाला रब कर दूं बेटा मैं?
अब बताना है बेटा एंगल जी की वैल्यू कितनी है। देखो दोबारा से देख लो कि ये जो ए है 90 डिग्री, दिस इज ए, आप देख रहे हो ये ए है। इस उसके बाद सी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है 40 डिग्री। तो अब आपने जी एंगल ऑफ ग्लांस बताना है। यस यस, मिडल रो में से लास्ट सेकंड बेंच पे जो रेड शर्ट में गर्ल बैठी है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, और उसके साथ वाली भी आ जाए। मैं 50 डिग्री। इट इज 50 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। 90 इट इज, एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब आपने मुझे एंगल ई बताना है, ध्यान से सोच के, सिर्फ जीके का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। आपने मुझे एंगल ई की वैल्यू बतानी है। हाँ जी बेटा, 50 डिग्री। इट इज 50 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। एज देखो ये वाला दोबारा से मैं बता रही हूं, ये तो 90 डिग्री है, उसमें से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ये कितना है, इट इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, तो ये आपको पता चल जाएगा इट इज 50 डिग्री। सो ये एंगल ऑफ ग्लास के इक्वल है, दैट इज एब्सोल्यूटली बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, इट इज एंगल ई इज इक्वल टू अगेन 50 डिग्री, ठीक है जी। चलिए ये आपको पता चल गया, राइट डाउन द क्वेश्चंस। इफ एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई प्लस एंगल आर। इफ एंगल जी इज इक्वल टू 40 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई प्लस एंगल आर। इफ एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंगल जी। एट्थ बी अमृतपाल सिंह, मुझे बताओ एंगल आई 30 डिग्री है, एंगल आई प्लस एंगल आर व्हाट इज द वैल्यू। डिग्री अगेन सी एंगल आई प्लस एंगल आर 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड अमृत, बैठो बेटा। सो हियर
क्वेश्चन नंबर वन सबने ऐसे लिखना है। एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। दस एंगल आई प्लस एंगल आर, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। 60 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए जी, विराज सिंह चोपड़ा 8A। विराज सिंह आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर टू, एंगल जी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल आई बताइए, एंगल आर बताइए और फिर ये बताइए। यस टेल मी। एंगल आई एंड आर बोथ आर 50 डिग्री। यस, एंगल जी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आई इज इक्वल टू हमेशा 90 डिग्री, माइनस एंगल जी इज इक्वल टू 50 डिग्री, इट इज ऑल्सो 50 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा बेटा, एंगल आई प्लस एंगल आर। बिल्कुल ठीक है, किसी को नहीं पता चला तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ये नॉर्मल है, ये होता है 90 डिग्री। ये एंगल जी दिया हुआ है आपको 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 50 डिग्री। 90 माइनस 40, 50 डिग्री ये और 50 डिग्री ये। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, देन क्वेश्चन नंबर थ्री, नवलीन 8A। नवलीन वेयर इज नवलीन, आ जा बेटा, आ जा आ जा, आगे आ जा। सबसे इजी है, एंगल आई प्लस एंगल आर 70 डिग्री है, एंगल आई कितना होगा, कोई और नहीं, ओनली नवलीन विल टेल। इधर देखो, उसकी कॉपी मत देखो, इधर देखो बोर्ड पे देखो, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है, आपको ये पता है। अगर हम एंगल आर को भी एंगल आई लिख दें तो आप लिख, क्योंकि दोनों इक्वल है तो आप कह सकते हो टू एंगल, एंगल तो आप बताओ मुझे एंगल आई कितना होगा, ध्यान से सोच के। ये है टू एंगल आई, दो अगर एंगल आई देखें तो वो 70 डिग्री है, तो एक एंगल आई कितना होगा। आपके पास दो बर्गर्स है जिसमें 8 पीसेस है, दो पिज्जाज है जिसमें 8 पीसेस है, तो एक पिज्जा में कितने पीसेस होंगे। हाँ जोर से बोलो, हाँ जोर से, माइक लो अपने हाथ में, सीधे खड़े हो, माइक अपने हाथ में लो। हाँ अब बोलो। मैंने बोला है आपके पास टू पिज्जाज है, मीडियम साइज पिज्जा, 8 पीसेस है, दोनों पिज्जाज में 8 पीसेस है, तो वन पिज्जा में कितने पीस होंगे। टू पिज्जा में 8 पीस। 8 पीसेस है, 8 स्लाइसेस है, 8, तो एक ओके पिज्जा में कितने स्लाइस होंगे, फोर। 4 होंगे। क्या किया आपने, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे दो एंगल है 70 डिग्री के, तो एक एंगल कितने का होगा, 35। 35। सिंपल इजंट इट, ठीक है ना। तो ये वही चीज है कि अगर हम ये, इससे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं ना ये नहीं लिख रही। तो ये पता है एंगल आई एंगल आर के बराबर है और दोनों एंगल्स कितने हैं, 70 डिग्री के, देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है बेटा, बैठो बैठो,
देन इसके साथ वाला स्टूडेंट आ जाए, इसके साथ वाली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम क्विकली। गर्ल्स आपको ये पता है, अगेन मैं दोबारा से बता रही हूं कि ये 90 डिग्री है, 55 एंगल जी, ठीक है, ये 35 डिग्री है। तो ये आपने एंगल जी के, 55 एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल आई, 90 माइनस 35 इज इक्वल टू, आपने कितना बताया, 10 में से 5, 55 इट इज 55 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, बैठो, करो नोट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना है, कुछ क्वेश्चंस आपके यूटी में आ जाएंगे, यूनिट टेस्ट में आ जाएंगे, और कुछ फाइनल में आ जाएंगे। ये याद रखो, जब प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं सोचना कि एंगल ऑफ ग्लास आपकी बुक में नहीं दिया तो नहीं आएगा, ये आएगा जरूर। आई होप सबने अलग कॉपी लगाई हुई है वर्चुअल क्लास की, क्वेश्चंस ये नोट कीजिए। ओके, चलें आगे। एमएस चलिए जी, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर आप देखते हो सुबह, जिसको देख के आप कॉम करते हो, जिसको देख के आप ड्रेस अपनी पहनने की कोशिश करते हो, व्हाट आर दैट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पे आप एक और लिख सकते हो लास्ट में, दैट एंगल आई और एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ ग्लास। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, एंगल आई प्लस एंगल ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि अगर एंगल जी को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इज इट ओके, लिख लो फटाफट से। अगर ये मिरर है यहां पे है, इट इज, लेट अस से इट इज 20 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज पीछे जो बन रही है उसका भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और है ना, मैंने चलो इधर हो जाता है, बट सेम साइज है, ठीक है, इरेक्ट है, सीधी है, आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। एंड इफ समबडी कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्चुअल, तो वो बताइए जल्दी से। हाँ बहुत सारे बच्चों को पता है, यस, मिडल, यस, फर्स्ट रो में से सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स है, जिसको पता है वो आ जाओ, पर्पल शर्ट में, पर्पल शर्ट में, यस, राइट साइड, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट हर कम, लेट हर कम। हाँ बताइए, इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। That cannot be formed on the screen. अगर आप, इसका क्या मतलब है, बैठो बैठो, बैठ जाओ, इसका मतलब ये है कि जब आप शीशे में, जब आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहे होते हो, तो वो इमेज अगर आपके पीछे वॉल है वहां पर नहीं बनती है, बनती है कभी हेलो नहीं ना, दैट कैन नॉट बी स्क्रीन, तो वही है, इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन,
इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये एक्सरेज पर नहीं आती, वर्चुअल इमेज जो है, इधर देखो बेटा, इधर उधर नहीं, वर्चुअल इमेज एक्सरेज पर नहीं आती, स्क्रीन पर नहीं आती, एंड फाउंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कहीं ये असल में नहीं है, ये हमें लगता है कि इमेज बन रही है, इमेज बन, ठीक है, इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के कहीं पीछे बनती है, ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन एक्सरे, ठीक है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन आपने रट्टा तो मार लिया, बट इसका क्या मतलब है कि आपके पीछे अगर कोई स्क्रीन है तो उसपे कोई इमेज नहीं आ रही है, उसपे कोई इमेज नहीं बन रही है, इज इट ओके, ठीक यस है, दैट इज वर्चुअल, ये लिख लिया आप सबने, ठीक मैम, यस है, एंड इट इज लिटरली इन्वर्टेड, यस और नो, मैम, यस मुझे बताओ, ये मैंने अपना एक हाथ उठाया, आपको क्या लग रहा है, ये राइट है कि लेफ्ट है, मैम, लेफ्ट लग रहा है, बट मैंने तो राइट उठाया, ठीक है, आपको लेफ्ट लग रहा है, दिस इज लेटरल इन्वर्शन, इज इट ओके, ठीक है, जब आप राइट उठाओगे तो इमेज में ऐसे लगता है कि वो लेफ्ट साइड है, तो इन्वर्ट होता है उल्टा, लेटरली मीन्स ऐसे, दिस इज लेटरल, राइट, दिस इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज, राइट साइड अपियर्स ऑन द लेफ्ट साइड इन द इमेज, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्शन, इज इट ओके, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल इन्वर्जन जो आप कभी देखी हो डेली लाइफ में, एम्बुलेंस जो लिखा होता है, एम्बुलेंस के आगे वो उल्टा लिखा होता है कि नहीं, ताकि सो दैट आप कार में जा रहे हो, आपके मिरर में जो है उसमें वो सीधा नजर आए, क्योंकि इट इज इमेज जो बनती है प्लेन मिरर्स में वो कैसी है, लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है, तो जो आपकी कार में ऊपर मिरर नजर आता है ना, जिससे आप पीछे की तरफ को देखते हो, उसमें आपको सीधा नजर आए एम्बुलेंस, इट इज रिटन इन ऑपोजिट लेटरली इन्वर्टेड फैशन, सो दैट यू कैन सी इट करेक्टली ऑन द मिरर प्रेजेंट इन साइड द कार, जो हमारी कार में ऊपर, कई बार आप उसको देख के अपने, है ना, अपना मेकअप करते हैं या अपने बाल बनाते हैं, वो क्या है, प्लेन मिरर है, राइट, जो हमारी साइड्स में मिरर्स लगे होते हैं वो दूसरे मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर्स है, बट जो कार के अंदर है वो प्लेन मिरर है, ताकि उसमें एम्बुलेंस आपको सीधी नजर आए, दैट इज लेटरल इन्वर्शन, राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कीजिए क्वेश्चन, कीजिए जल्दी से, वेरी गुड, ये टॉपिक है। एट्थ बी में से आर्यन ने मुझे आंसर बताना है, आर्यन चंदेल, वेयर इज आर्यन, आ जाओ आर्यन, आओ बेटा, ये डिस्टेंस बिटवीन, दोबारा से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस है 5 मीटर, अब पूछा गया क्या गया है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, जल्दी से बता दो, कोई और गर्ल्स नहीं बताएंगी, फर्स्ट बेंच वाली, आर्यन बताएगा, हाँ आर्यन, मुझे ये बताओ, छोड़ दो उसको, आप मुझे ये बताना है आपने कि ये मिरर से ये इमेज, इसका डिस्टेंस कितना है, ये इमेज है मिरर से, ये डिस्टेंस कितना है, जल्दी से बता दे बेटा, 5 5 मीटर, और अब किसका डिस्टेंस पूछा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पूछा, कितना आएगा बेटा, 10 10 मीटर्स, यही पूछा गया है, राइट, ये बनाओ सारे, एवरीबडी शुड ड्रॉ दिस ताकि आपको याद रहे, ठीक है, बैठो बेटा, सो आंसर इज
डिस्कशन भी कर रहे हो आप, मैं समझा रही हूँ। तो अभी ना द गाय स्टैंड 10 मीटर। मैम जरा बस ये देखना कि हर बच्चा कर रहा हो, बिकॉज दी सच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। यस मैम यस मैम, स्टैंड अप फ्रॉम देयर, मूव अवे विद योर एनवी, यस यस सिट ओवर देयर, डू इट ऑन योर एनवी ऑल ऑफ यू, ठीक है, कैसे 10 मीटर आया? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, मैं एम लिख रही हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आपने पूरा लिखना है। इट इज 5 मीटर, देयरफोर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5 मीटर। दस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इट इज इक्वल टू 5 + 5 10 मीटर। डायग्राम बनाओगे ज्यादा समझ में आएगा, एवरीबडी शुड ड्रॉ डायग्राम, टीचर को भी अच्छा लगेगा। अभी ये ठीक क्लॉक वाला नहीं करना, पहले मैं समझाऊंगी आपको इसका। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, राइट डाउन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ टेन पॉइंट टू सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम प्लेन मिरर, ये ए है, ये बी है, डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम ऑब्जेक्ट। चलिए जी जल्दी से, एट्थ बी हर कीरत, मेरे जल्दी से मुझे आंसर बता दो। यस मैम, डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम, ये हमने देन द इमेज, इमेज बतानी है, एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम प्लेन मिरर, ये इमेज है, दिस इज इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10.2 सेंटीमीटर है। अब ये पूछा गया है, कितना डिस्टेंस है मिरर से इमेज का? मैम 10.2 सेंटीमीटर, वेरी गुड, इट इज 10.2 सेंटीमीटर। दूसरा भी आंसर बता दो, डिस्टेंस ऑफ यू नो इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इमेज रिपीट द क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ, यहां पे लिख लो इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज, ध्यान मैम 10.2 सेंटीमीटर, से देखो,
इमेज का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है? आपने बताया है इमेज का प्लेन मिरर से डिस्टेंस 10.2 सेंटीमीटर है। यस बेटा देख, ये भी 10.2 सेंटीमीटर है, ये भी 10.2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आपने निकालना है, कितना आ जाएगा? मैम 20.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल, क्या मुश्किल है? अगेन डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड। बट पता होना चाहिए, इट इज 20.4 सेंटीमीटर। एवरीबडी क्लियर? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कर लिया ये सबने? अगेन इमेज मतलब जो डायग्राम है, सबने डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बगैर क्वेश्चन गलत हो सकता है, और यही मैम को जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे, फटाफट दिखोगे, तो मैम ने देखना कि डायग्राम ठीक है, तो आगे कुछ देखेगी नहीं ज्यादा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निकालो जरा जल्दी से। फर्स्ट वाला आपको आता ही होगा, नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी बताऊंगी। अभी ये पूछा है, इफ इंसिडेंट रे इज अलोंग नॉर्मल, इसका मतलब है ये मिरर है, ये नॉर्मल है, देन इंसिडेंट रे इज अलोंग नॉर्मल। दिस इज इंसिडेंट रे, इट इज अलोंग नॉर्मल, वट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जल्दी से, हु इज गोइंग टू टेल मी द सेकेंड क्वेश्चन? यस, पहले मैं पूछ लू यहां से। मानवी, वेयर इज मानवी? 10th थे, सॉरी 8th थे। हां जी बेटा, आ जा। चल पहले तो मुझे क्वेश्चन ये फर्स्ट का बता दे, एंगल आर कितना है? मान ली एंगल आई 40 डिग्री दिया है, एंगल आर कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी से एंगल जी भी बता दे यहां पर, ये होता है एंगल जी और ये 90 डिग्री है। मैम 40 डिग्री है। कैसे? एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल आई, बताओ कितना है एंगल आई? कितना एंगल आई कितना है? तो 40 डिग्री 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री, ये याद रखना है बेटा। ठीक है, बैठो, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है बेटा। यस, ये जो सेंट्रल रो में फर्स्ट बेंच पे येलो शर्ट में है गर्ल, यस टेल मी सेकंड क्वेश्चन। मैम इफ इंसिडेंट रे इज लॉन्ग नॉर्मल देन एंगल आर विल बी ऑल्सो 0 डिग्री। इट इज 0 डिग्री, वेरी गुड, बिकॉज अगर अलोंग नॉर्मल है
तो यहीं पे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, आंसर इज एंगल आई इज इक्वल टू 0 0 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल के साथ ही है, तो 0 डिग्री। देयरफोर एंगल आर विल आल्सो बी 0 डिग्री। बेटा ये करो जरा। हेलो, मुझे बोलो। ठीक है बेटा, इफ इंसिडेंट रे इज अलोंग नॉर्मल, द एंगल आर विल ऑल्सो बी अलोंग नॉर्मल, या रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो अलोंग नॉर्मल। सो एंगल आई 0 डिग्री, एंगल आर इज ऑल्सो 0 डिग्री। लास्ट इज इट ओके? चलिए अब हम आ जाते हैं इधर। बेटा हमेशा आपने क्या याद रखना है, एवरीबडी हियर यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे लिखो, नोट लिखो, नोट क्या है? हाँ जी, नोट ये है दैट टाइम या एक्चुअल टाइम इन क्लॉक प्लस टाइम इन इमेज ऑफ क्लॉक इज 12। 12 बजेंगे। यहां पे इमेज का टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम हमने निकालना है। यहां पे टाइम क्या दिया हुआ है? प्लस 7.15 इज इक्वल टू 12। अब तो आप क्या निकालेंगे? एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 12 माइनस 7.15। कितना आ जाएगा बेटा? मनवीर सिंह, 8th A। यस मैम, मैं क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 545। इज इट 545? बिल्कुल ठीक है ये। यस, टेल मी फटाफट से एवरीबडी। ठीक यस है, इट विल बी 545। बिल्कुल ठीक है। चलो जल्दी से हम करें और जरा क्वेश्चंस कर लें। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, मैथ्स में कौन सा काम चल रहा है आपका? इनवर्स एंड डायरेक्ट इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताओ, ये आपको समझ में आ गया सारा? ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैथ्स कर लें, और साइंस में अगला चैप्टर रिफ्लेक्शन खत्म, रिफ्रैक्शन शुरू हो गया आपका। यस और नो? चलिए ठीक है, मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मूला आता है आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन शुरू कर लें आज हम। ठीक है, चलिए, वेट फॉर 2 मिनट्स। राइट, ओके बेटा, यस आपने अपनी चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट?
प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? आपने प्रोपोर्शन वर्ड 6 में भी पढ़ा था, रेशो के चैप्टर में, और 7 पे भी पढ़ा था, जब आपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज किया तब भी आपको बताया गया था कि प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशो में होती हैं टर्म्स। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एनीबडी नोज? हाँ जी, ओके, पीछे से हाथ खड़ा किया बच्चे ने, यस आजू बेटा, वेरी गुड, यस आ गया कि बताओ। दोबारा थोड़ा स्लो, दोबारा बोलो प्लीज। यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्ट और इनवर्स तो आपको समझ आ गई कि डायरेक्ट का मतलब दोनों इंक्रीज हो रही हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रही हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब प्रोपोर्शन वर्ड क्या कह रहा है? डायरेक्ट एंड इनवर्स तो ठीक है, प्रोपोर्शन वर्ड से आपको क्या समझ आते हैं? यस बता रही हूँ आप बेटा, गर्ल्स वॉज स्टैंडिंग, डू यू वॉन्ट टू टेल मी? मैम नो ओके एक्चुअली राइट, इट्स ओके, चलो राइट डाउन, राइट डाउन, इट स्टेट्स दैट, इसको अंडरस्टैंड करो पहले, इट स्टेट्स दैट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, टू रेशियोज, टू रेशियोज ए बाय बी एंड सी बाय डी आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है, दैट इज ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं आपस में, वी विल से दे आर इन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, 3/4 इज इक्वल टू 9/12। इसको मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/12। सो 9/12 विल बी एंड 3/4 दे विल बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि 3:4 इज इक्वल टू 9:12 और 3:4, बीच में 4 डॉट्स आएंगे, 9:12, इसका ये मतलब है। आपने अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने डॉट्स के बारे में पढ़ा था। यस, 2 डॉट्स हम लगाते हैं जब हमने उसको फ्रैक्शन में लिखना होता है, 3/4। 4 डॉट्स हमें ये बताते हैं कि वो आपस में इक्वल हैं, राइट? तो हमारे पास, अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि वो आपस में प्रोपोर्शन है। इज इट फाइन? प्रोपोर्शन वर्ड समझ आ गए सबको? ओके, एग्जाम्पल भी लिख लो इसका। अभी नेक्स्ट लिखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब एक चीज आपने याद रखनी है, प्रोपोर्शन का मतलब हम 2 रेशो की बात कर रहे हैं इसमें। प्रोपोर्शन वर्ड हमें बता रहा है कि हम 2 रेशियोज की बात करेंगे, अब हमने ये देखना है कि वो डायरेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट के लिए आप क्या देखोगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको क्या बताता है? व्हेन टू वैल्यूज
when two values A and B increase together or डिक्रीज टुगेदर। मैं आपको सिंपल वे में लिखवा रही हूं ताकि आपको समझ आए कि वो उनका काम इकट्ठा ही है। ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीज होता जा रहा है और दूसरा डिक्रीज होता जा रहा है। और सेकेंडली, अगर इंक्रीज होना है तो दोनों इकट्ठे इंक्रीज होंगे। ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट वाली हमारी जो ए की वैल्यू है वो टू से, सपोज आपके पास ए बाय बी है, अगर मैंने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम बोलेंगे कि वो आपस में इकट्ठे इंक्रीज और इकट्ठे डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, समझ आई आपको? इकट्ठे का साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं कॉमा डाल रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास उनने इकट्ठे इंक्रीज होना है, अप एंड डाउन। ऐसा नहीं कि नीचे वाला तो मैंने फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मैंने टू से कर दिया, या ऊपर ज्यादा से कर दिया, नीचे कम से कर दिया। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलेंगी। देन वी से दे इंक्रीज टुगेदर एंड डिक्रीज टुगेदर। ठीक है, अब ये तो चीज होगी कि इंक्रीज टुगेदर डिक्रीज टुगेदर आपको मेंटली पता चल जाएगा, देख के स्टेटमेंट को पढ़ के पता चलेगा कि दोनों इकट्ठे इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों इकट्ठे डिक्रीज हो रहे हैं। अब आप कैलकुलेशन में क्या करोगे? दिस इज ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट, इसी का ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आपने क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। देयर रेशियो रिमेन्स, देयर रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उनकी रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। ए वन बाय बी वन विल बी इक्वल टू के एंड ए टू विल बी बाय बी टू विल ऑल्सो बी इक्वल टू के। के का मतलब कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं होगी। अगर हमने मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो भी आंसर मेरे पास जो आ रहा है लोएस्ट टर्म में, वही आंसर अगली दो नंबर्स को करने से आएगा। तो हम बोलेंगे कि वो दोनों आपस में कॉन्स्टेंट है और दोनों आपस में डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। राइट ऑन द एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन्स। आपको पता है मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, एक चीज खरीदोगे, एक का कॉस्ट पूछोगे शॉपकीपर से, तो मेंटली आपको पता चल जाएगा कि मैंने तो तीन खरीदने हैं, तो तीन का कॉस्ट ऑफ कोर्स उसको तीन से मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, आप अपने आप गेस कर लेते हो। मान लो आपके पास नंबर ऑफ पेन्स एक है, एक पेन आपने खरीदना है, उसकी कॉस्ट है ₹25। ठीक है, फिर आपने, अगर आपके फ्रेंड ने टू पेन्स खरीदने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शॉपकीपर उससे ₹100 मांग लेगा, या फिर आपने सोचोगे कि पता नहीं कितने का आएगा, सोचे जा रहे हो कि पता नहीं कितनी मनी लेके जाएं घर से, कि एक पेन तो 25 का आया था, टू पता नहीं कितने का आएगा। ठीक है, सेम चीज हमने खरीदनी है तो अंडरस्टूड होता है कि उसको भी आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 50, उसका डबल हो जाएगा। थ्री पेन्स खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 75। अब ये जो चीज आपको दिख रही है बहुत देखने में बहुत सिंपल लग रही है कि ये तो हम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ कि ठीक है, उसको टू से मल्टीप्लाई किया, उसको थ्री से किया एंड सो ऑन। बट हमारे 8th क्लास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें क्या बता रहा है कि उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। कि इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैंने इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहां भी मैं इसको 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे अगर मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी हम क्या करेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइमल्टेनियसली चलेगा,
प्रोपोर्शन में चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जिससे मर्जी वहां मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मर्जी यहां मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा सोच के आपको चलना पड़ेगा अगर आपने डायरेक्ट में उनको करना है तो। ओके, एक आपको कांस्टेंट चीज जो है वो दोनों तरफ पे लानी पड़ेगी, फिक्स चीज लेके आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी लगा दो किससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? अब आप सोचोगे कि हमने तो यहाँ पे रेशो की बात की थी, और आपके क्वेश्चंस में भी जितने भी बुक में क्वेश्चन है आप रेशो को देखते हो कि दिस अपॉन दिस इक्वल है कि नहीं है, ठीक है? तो अभी हम इनकी रेशो देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला था वन वन पेन 25 रुपीज, सेकेंड था हमारे पास 2 पेंस 50 रुपीज, थर्ड वाला था हमारे पास 3 पेंस 75 रुपीज। अब ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो डायरेक्ट है कि नहीं है, हमें उनकी रेशियो देखनी पड़ेगी। एक ही रेशियो चेक करते हैं, चेक रेशियो। अगर हमने श्योरली बताना है कि वो डायरेक्ट में है तो हम उनकी रेशियो चेक करेंगे। ए पार्ट की रेशियो क्या आ रही है, 1/25। दिख रहा है आपको नंबर ऑफ पेंस एंड कॉस्ट ऑफ पेंस की रेशियो आ रही है 1:25। बी की रेशियो चेक करो, इट इज 2/50। चेक करो जरा, क्या इसको लोएस्ट टर्म में करने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, प्लीज चेक इट, 1/25। सेम राइट, सी वन इसको चेक करो, 3/75, राइट, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/25। सारे ही 1/25 है, कोई भी आपको रेशियो इन तीनों में से ऐसा नहीं दिख रहा जो आउट ऑफ द वे कहीं और जा रहा हो। तीनों रेशियो आपस में मिल रहे हैं, तो हमारे ये कंफर्म हो गया आंसर। विदाउट एनी डाउट वी कैन से कि वो आपस में डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, ठीक है? तो इसका मतलब जो हमारी डेफिनेशन जो हमने लिखी है कि उनकी रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन उसने अभी दैट बॉय आल्सो केम, उसने भी बताया था कि हमारी जो है वैल्यूज जो है वो एक इंक्रीज होती है और एक डिक्रीज होती है इनवर्स में, वो आपको पता ही है, ठीक है? एग्जांपल एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने क्या करना है, ए causes या फिर brings proportional decrease, proportional decrease, इसका मतलब क्या है proportional decrease in the value of b, value of b proportional decrease करना है। ठीक है, तो इससे हमारे क्या होगा, एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो उससे हमारा क्या होगा, देन ए एंड बी आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है कि दोनों एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है? एग्जाम्पल लिखो इसका, और इसको अगर मैथमेटिकली करें, अब ये तो होगी एक डेफिनेशन होगी, आप क्वेश्चन फॉर्म में इसको कैसे यूज करोगे इनवर्स को, क्वेश्चन फॉर्म में आपने कैसे यूज करना है कि इनको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी शुड बी कॉन्स्टेंट। आपने प्रोडक्ट करके उसको चेक करना है कि हमारे पास
उनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है कि नहीं. दैट इज A1 इंटू B1 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू A2 इंटू B2. मल्टीप्लाई करके आपको पता चलेगा. अगर उनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो हम बोलेंगे कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल टेबल बनाओ इसका, स्पीड एंड टाइम. साइकिल चला रहे हो आप, साइकिल की स्पीड अगर थोड़ी ज्यादा करोगे, थोड़ा सा फास्ट साइकिल चलाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, ज्यादा स्लो स्लो चले चलाओगे तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो आपकी स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, वो तो आपको पता ही है, साइंस में भी पढ़ा हुआ है आपने. अगर आपको स्पीड जो है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है तो आपको टाइम लग रहा है सपोज 6 आवर्स. ठीक है, स्पीड किसी की भी हो सकती है, टू व्हीलर की हो सकती है, थ्री व्हीलर फोर व्हीलर की हो सकती है, राइट. अगर 45 है किलोमीटर पर आवर तो आपको 4 आवर्स लगते हैं. ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि वो इनवर्स में है कि नहीं. देखने में तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. यहाँ पे हमारे पास 30 से 45 पहुंचे, हम यहाँ पे हम 6 से 4 जा रहे हैं. दिख रहा है सबको कि ये डिक्रीज हो रही है यहाँ पे वैल्यू और इधर हमारे पास इंक्रीज हो रही है. देखने में तो लग रहा है कि वो इनवर्स होंगे, बट वी हैव टू चेक इट बाय कैलकुलेशन कंफर्म करने के लिए. तो हम इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके चेक करो, तभी आपको ये चेक होगा कि वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं. ठीक है, लेट अस चेक इट. 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 एंड 45 इंटू 4 क्या वो आ रहा है 180? यस, दोनों 180 180 आ रही है वैल्यूज, दोनों सेम है, प्रोडक्ट उनका सेम है, प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है बेटा, तो दिस इज द वे हम क्वेश्चंस में कैसे चेक करते हैं, बाय कैलकुलेशन. यू शुड नो इट. अभी छोटे से और एग्जांपल करेंगे देखने के लिए कि हमें कौन सी चीज कैसे यूज करनी है. आपको ये चीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपको ये चीज याद रखनी है इनवर्सली के लिए. अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो इनवर्स है तो आप प्रोडक्ट करके चेक करोगे, उसको मिसिंग वैल्यू निकालोगे. ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप उसको रेशियो के फॉर्म में चेक करके सॉल्व करोगे, राइट. अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप भी लिखोगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ, क्योंकि अभी मॉड्यूल नहीं है आपके पास. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आपने भी लिखना है. टेबल फॉर्म में यू शुड नो, आपको पता है सारे क्वेश्चंस में हम टेबल बना रहे हैं, या तो टेबल गिवन होता है या हम बना रहे हैं, तो इसलिए दैट इज टेलिंग यू एवरीथिंग. टेबल से ही आपको बहुत कुछ पता चल रहा है कि क्या गिवन है क्या नहीं. राइट डाउन नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, ओके, एंड नीचे लिखो दिस इज नंबर ऑफ आवर्स. नीचे है हमारे पास पार्किंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस इन रुपीज. ओके, जब आप ये टेबल बनाते हो अपनी नोटबुक में एक लाइन छोड़ दो बीच में ताकि आपका नीट एंड क्लीन बने टेबल. जब तक आपको नंबर ठीक से नहीं दिखेंगे आप इसको क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे.
नंबर ऑफ आवर्स इज 4, 4 आवर्स है आपके पास, तो आपके चार्जेस हैं 60 रुपीज, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ आवर्स आपके पास 8 है, तो आपके चार्जेस लग रहे हैं 100 रुपीज, और अगर आपके पास 12 आवर्स है तो चार्जेस लग रहे हैं 140, 24 है तो आपके पास लग रहे हैं 180, ठीक है। पार्किंग चार्जेस हैं, ये आपको टेबल गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, 24 घंटे के लिए करोगे तो 180 रुपीज देने पड़ेंगे, 12 आवर्स के लिए करोगे तो 140, एंड सो ऑन। ओके, तो आपको चेक करना है, क्वेश्चन है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टू द नंबर ऑफ आवर्स। थोड़ा सा इसमें आपको सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोचनी है, वो ये है कि आपको पहले तो ये देखना है कि जब हमने उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो आपको उनकी रेशियो देखनी है, पहले तो रेशियो देखनी है कि सबकी रेशियो आपस में कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो रेशियो को देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो में हमने न्यूमिरेटर में क्या लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। ओके, तो आप इसको टू वर्ड को फोकस करो, टू के आसपास बॉक्स बनाओ, आपको पता होना चाहिए टू से जो लेफ्ट साइड पे है वो आपका ऊपर आएगा, दैट इज 60, और टू से जो राइट साइड पे है वो आपका आएगा डिनोमिनेटर। आपने चेक करना है क्या 60/4 की रेशियो या फिर 100/8 की रेशियो, हमने चेक करनी है क्या वो इक्वल आ रहे हैं, 140/12 एंड 180/24। हैव यू अंडरस्टूड बेटा कि हमने 4/60 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे उल्टा करके क्यों नहीं लिखा, क्या 60/4 और 4/60 एक ही बात है, सेम होता है ये? नो, सेम नहीं होता। अगर सेम नहीं होता तो हमें सोच के लिखना पड़ेगा, तो आपको मैंने बताया है इसकी पहचान क्या करनी है, टू से जो लेफ्ट वाला नंबर है वो हमारे पास न्यूमिरेटर में आएगा, टू से जो राइट वाला है वो आपके पास डिनोमिनेटर में जाएगा, जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। सबकी रेशियो निकालो एंड प्लीज चेक इट, वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। नमन 60/4, 60/4 का कितनी आ रही कैलकुलेशन, किसने निकाल लिया, रेज़ योर हैंड। चलो डिवाइड करके चेक करो, यस आई कैन सी हैंड्स, ओके गुड, आई एम राइटिंग हियर, चेक करो क्या आपका सेम आ रहा है, 15/1, 60/4 इज 15/1। अगला चेक करो 100/8 क्या आ रहा है, 25/2, 25/2, 35/3, 35/3। अपना अपना करते हो सारे, यू हैव टू डू योर ओन कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल, सारे इवन नंबर्स हैं, ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, यू कैन कट इट वेरी नाइसली, 45/6 या दैट इज 15/2। 45/6, 45/6, 45/6 तो फिर तो यस, 3 से चला जाएगा ना, 3 से जा सकते हैं ना, फिर से यस, ना उसको लोएस्ट टर्म में करो, जितना ज्यादा काट सकते हो उसको काटो, राइट। तो आपको इससे पता चल रहा है कि उनकी रेशियो जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रही,
यहाँ पे कुछ और रेशो आ रही है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, वहां कुछ और है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो आपस में डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। ओके, अदरवाइज अगर आप टेबल को देखते, सिर्फ टेबल से आपको कोई पूछे तो आप बोलोगे डायरेक्ट है, क्योंकि यहां भी इंक्रीज हो रही है वैल्यूज और यहां भी इंक्रीज हो रही है, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, 4, 8, 12, 24 इंक्रीजिंग, हेयर ऑल्सो इंक्रीजिंग, 60, 100, 140, 180, बट सिर्फ इसको देख के कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हमें ये चेक करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए और अपना फाइनल आंसर बताने के लिए कि वो डायरेक्ट में है कि नहीं। ओके, सो नाउ यू कैन राइट द आंसर, यस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको जो चीज पूछी जाती है उसी फॉर्म में हमने आंसर देना होता है और उसको लिख के बताना होता है टीचर को, ताकि उनको टीचर ने जो मार्क्स देने हैं वो आपके फाइनल आंसर से पता चल जाता है कि आप एंड तक पहुंचे हो कि नहीं। एक और क्वेश्चन लिखो इसका। क्वेश्चन नंबर टू, टेबल से आपको सब कुछ पता चल जाता है इसलिए हम टेबल ही मेंशन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉटल्स, राइट डाउन नंबर ऑफ बॉटल्स, राइट, एंड साथ में है आपके पास टाइम टेकन, टाइम टेकन इन आवर्स, घंटे में कि कितने घंटे में कितनी बॉटल्स फिल कर जाती है। एक फैक्ट्री की बात हो रही है, फैक्ट्री में यू नो फास्ट फास्ट काम होता है, बॉटल्स भरी जा रही है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की है या फिर मेडिसिन की है, वट एवर, तो वो नंबर ऑफ बॉटल्स जो है भरी जा रही है उसके लिए कितना कितना टाइम लग रहा है वो इट इज मेंशन्ड है। नंबर ऑफ बॉटल्स अगर आपके पास 840 है, 840 बॉटल्स फिल करनी है, तो उसके लिए यहाँ टाइम लग रहा है 6 आवर्स, राइट, और अगर नंबर ऑफ बॉटल्स एक्स है तो उसके लिए लग रहा है 5 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉटल्स, हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स। कुछ नहीं बात बताई हुई कि वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कुछ नहीं बताया, वो आपको अपनी तो कॉमन सेंस लगानी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉटल्स निकालने हैं। आप अगर इमेजिन करो तो आपको पता है कि आपके पास अगर हम 6 आवर्स लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं हमारे 840 बॉटल्स फिल करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम डिक्रीज हो गया 6 से, हमारे अभी 5 आवर्स हो गए, तो अभी 5 आवर्स है कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है तो बॉटल्स भी कम होंगी, Is it? तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट या इनवर्स, गेस क्या हो रहा है आपको, डायरेक्ट गेस हो रहा है आपको कि ये डायरेक्ट होना चाहिए, यस या जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं फर्स्ट बेंच, हैव यू फाउंड इट, एक्स निकाला है आपने, हाँ यस जी बताओ क्या निकाला है, मैम 70 70, नो इतना लेस नहीं हो सकता, दोबारा चेक करो, मैम 700 सॉरी 700, यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x1 ओवर y1 इक्वल्स टू x2 ओवर y2, ओके ऑल राइट, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई 840 विद 5 एंड 6 विद x, देन आफ्टर दैट 6x इक्वल्स टू 420, देन ऑन डिवाइडिंग वी गेट आंसर 700। आंसर 700, ओके आपको ऐसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आपने चीज मेरे को ओरल बताई है वो वहां पे भी आपको लिखनी पड़ेगी, सिंस मोर बॉटल्स रिक्वायर मोर टाइम,
ठीक है, कई बच्चे इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि लेस बॉटल्स कैन बी फिल्ड इन लेस टाइम, इन लेस टाइम कुछ भी बता दो जो आपके माइंड में आ रही है चीज, अपनी लैंग्वेज में जो आपको इजी लगता है। देयरफॉर दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने ये लिख दिया इसका मतलब आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वी हैव कम टू नो कि आपको चीज ये पता है, आपको स्टोरी समझ आ गई है, नाउ यू ओनली कैलकुलेशन इज लेफ्ट। क्वेश्चन की शुरुआत में आपको बताना बहुत जरूरी है कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है और हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपका चाहे दोनों का लेस वाला बता दो, चाहे दोनों का मोर वाला बता दो, एंड उसके बाद बताओ कि x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2, दैट यू नो दैट इज इक्वल टू 840 by 6 इज इक्वल टू x टू x। x अपॉन 5 इसके बाद आपको निकालना आता है, वो तो मुश्किल नहीं है। आगे सिंपल इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में सब में आपने निकाला हुआ है कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, x इज कमिंग आउट टू बी 700, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यस योर इंटेलिजेंसी इज यूज्ड हियर कि आपने क्वेश्चन के बारे में सोचा। सेकेंड थिंग योर फॉर्मूला, कि फॉर्मूला ठीक लगा रहे हो या नहीं। ओके बेटा, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम। अभी बाय इसे रिवाइज करना। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय बेटा।